everyone, welcome back to my channel Nisha's Pathshala. Nisha's Pathshala. आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लर्निंग वाला और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता तो रहता नहीं है 3 इयर्स 3.5 इयर्स के बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को बिठाते हैं और बोलते हैं ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, लेकिन ये तो बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मेट है। हमें अपने बच्चों को 3 इयर्स का है या 3.5 इयर्स का है तो सबसे पहले अल्फाबेट नहीं स्टार्ट करने हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या स्टार्ट करना है और क्या बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 टिप्स दूंगी, बोनस टिप्स, कि आप अपने बच्चों की राइटिंग स्किल्स कैसे और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से समझना। और मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज ये मिस्टेक करना बंद करो। बच्चों को एकदम से A to Z मत इंट्रोड्यूस करो। अगर आपका बच्चा 3 इयर्स का हुआ है जस्ट अभी और आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो, उनको बिठाते हो और स्टार्ट कर देते हो ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, नो, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट। आज मैं आपको बताऊंगी, आज मैं आपको सिखाऊंगी व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट, कि आपको 3 3.5 इयर्स के बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। सो बच्चों को राइटिंग स्टार्ट कराने से पहले सबसे पहले आपको नीट एंड क्लीन एक नोटबुक लेनी है, 4 लाइंस की, 1 2 3 4 4 लाइंस की आपको नोटबुक लेनी है। और नोटबुक न्यू होनी चाहिए, मैं आपको हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आप नोटबुक को न्यू लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट राइट करनी है, क्योंकि जैसी हैबिट हम बच्चों को डालेंगे बच्चों की वैसी ही हैबिट बिल्डअप होगी। तो लाइक आज 19 डेट है तो फर्स्टली वी हैव टू राइट डेट 19.11.21। और एक और हैबिट अपने बच्चों में आप बिल्ड कीजिए वेदर की। हमेशा बच्चों से पूछिए हाउ इज वेदर टुडे, लाइक इज इट सनी, इज इट रेनी, इज इट क्लाउडी, हाउ इज वेदर टुडे, लाइक टुडे इज सनी डे। तो बच्चों से पूछो आप हाउ इज वेदर टुडे, बच्चे विल से, बच्चे जो हैं वो बोलेंगे इट्स सनी डे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ स्मॉल सन। तो इससे बच्चों को वेदर का भी पता चलेगा। तो करते हैं राइटिंग की स्टार्टिंग। सबसे पहले हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस बनाना सिखाते हैं। स्टैंडिंग लाइंस आप ऐसे नीट एंड क्लीन 1 लाइन बनाइए और बच्चों को 4 लाइंस ही दीजिए ऐसे, क्योंकि आप 4 से कम दोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और 4 से ज़्यादा दोगे तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को बोलना है कि बच्चा ये जो स्टैंडिंग लाइन आपने बनाई है इसको एटलीस्ट 5 टाइम ऐसे ट्रेस करे, इसके ऊपर ट्रेसिंग करे लाइक दिस, इसको 5 टाइम्स ऐसे रिपीट करे, ठीक है। फिर आपको डॉट्स देना बिल्कुल मत भूलना, डेट डालना बिल्कुल मत भूलना, एंड वेदर रिपोर्ट पूछना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइंस ऐसे देनी है बहुत नीट एंड क्लीन नोटबुक में। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो सेकेंड स्टेप हमारा आता है स्लीपिंग लाइन का। हमारे बच्चों ने स्टैंडिंग लाइन जो है सीख ली। स्टैंडिंग लाइन को आप एटलीस्ट 6-7 डेज रिपीट कराइए, उनको अलग अलग तरह से बताइए दिस इज स्टैंडिंग लाइन, दिस इज स्टैंडिंग लाइन। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ उनको प्ले वे में सिखाओ, उनको ऐसे बिठा के नहीं, ये स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, बच्चे नहीं सीखेंगे। दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन, दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन। ओके, चलो अब बारी आती है हमारी सेकेंड स्टेप की। एंड सेकेंड हमारा बच्चों को सिखाने का स्टेप होता है स्लीपिंग लाइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डेट। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ डेट लिखना मत भूलना, क्योंकि हम लोग ही क्या करते हैं अपने बच्चों की हैबिट को बिल्डअप करते हैं। हम डेट नहीं लिखेंगे तो बच्चा हमें बिल्कुल टोटली ऑब्जर्व करता है, तो बच्चा भी आगे डेट राइट नहीं करेगा। डेट लिखिए, उसके बाद अगेन आप वेदर पूछिए बच्चे से, हाउ इज वेदर टुडे, टुडे इज सनी डे। तो बच्चे को ऐसे ही सन बना के दो, जिससे कि उनका थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। चलो मैं पूरा फॉर्मेट बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हमारी स्लीपिंग लाइंस होती हैं जो कि हमने पूरा फॉर्मेट रेडी कर दिया है। इसमें भी आपको क्या करना है, बच्चों को ये स्लीपिंग लाइन जो बिग वाली होगी उनको बोलना है इसको 4 टाइम या 5 टाइम ऐसे ट्रेसिंग करें,
और उसके बाद ये सेम फॉर्मेट आपको नीट एंड क्लीन ऐसे ही बना के देना है बच्चों को। और इसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, अगर बच्चे पेंसिल से इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो कोई बात नहीं, आप उनको कलर दो, उनको बोलो कलर से ये ज्वाइन करें लाइक दिस, ऐसे ज्वाइनिंग करें वो लाइंस की। और उनको नेम साथ साथ ज़रूर बोलना है, दिस इज स्लीपिंग लाइंस एंड वी आर ड्रॉइंग स्लीपिंग लाइंस, हम कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्लीपिंग लाइंस, जिससे कि बच्चों को लाइंस का नेम हमेशा लर्न होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट लाइन आती है राइट स्लैंटिंग लाइंस। इस लाइन को हम बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। ओके, तो आपको कैसे फॉर्मेट स्टार्ट करना है, यू हैव टू पुट डेट फर्स्ट, उसके बाद बच्चों से ही पूछना हाउ इज वेदर टूडे। जरूरी नहीं है यहाँ पे सन आएगा, अगर जिस दिन क्लाउड है, क्लाउडी डे है, तो आप यहाँ पे क्लाउड ड्रॉ करो। अब आगे जैसे सर्दी है, ठंड आएगी, तो फॉग भी होगी, तो आप यहाँ पे फॉग भी ड्रॉ कर सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चों को थोड़ा सा वेदर के बारे में भी पता लगेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, राइट स्लैंटिंग लाइंस, पहले बच्चों को बोलना है इसको 5 times ट्रेसिंग करें, इसी के ऊपर रिपीट करें। और फिर बच्चों को कैसे स्टार्ट कराना है, आपको बोलना है यू हैव टू स्पीक, ओके, और बच्चों को इसका नेम ज़रूर बताना है, दिस इज राइट स्लैंटिंग लाइन। अब कैसे बताएंगे हम, मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, स्लैंट डाउन टू राइट एंड स्टॉप, अगेन Start from the dot, slant down to right and stop. Start from the dot, slant down to right and stop. इससे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इसमें, अगर आप अच्छे से वॉइस मॉड्यूलेशन भी करना इसकी। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट लाइन इज Left slanting lines, date, and इसमें देखो मैंने थोड़ा सा चेंज के लिए यहाँ पे सनी डे नहीं किया, टूडे इज क्लाउडी डे, किसी दिन बच्चों को क्लाउडी डे भी होगा, तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस स्मॉल लिटिल क्लाउड। अब हम बच्चों को लेफ्ट स्लांटिंग लाइन सिखाएंगे। ओके, इसमें आपको पहले बच्चों को बोलना है ऐसे इसको 5 times ट्रेसिंग करें। फिर बच्चों को कैसे सिखाना है, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, स्लैंट डाउन टू लेफ्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, स्लैंट डाउन टू लेफ्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, स्लैंट डाउन टू द लेफ्ट एंड स्टॉप। ऐसे आप बच्चों को इसको फन वे में बताना और नेम जरूर बताना बच्चों को, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइंस मींस ये लेफ्ट की तरफ होगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट इज zigzag lines। फर्स्टली यू हैव टू राइट डेट, वेदर, एंड इसमें आप बच्चों को इंस्टेड ऑफ 4 lines आप इसको 3 lines, तो 4 lines जो होंगी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और ऐसे ही डॉट्स लगा के दो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ डेट डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको भी पता रहेगा कि आप एवरीडे वर्क करा रहे हो बच्चे को कि नहीं करा रहे, और साथ में बच्चे की भी, बच्चा ऑब्जर्व करेगा और बच्चे की भी हैबिट बिल्ड होगी कि वर्क करने से, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें डेट डालनी है। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप ये बच्चों को कैसे करा सकते हो स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले आपने बच्चों को क्या करना है, वही एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों को बोलना है इसको आराम से 4-5 times ट्रेस करो। ठीक है, बच्चा इसको 4-5 times ट्रेस करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको कैसे बोल सकते हो, और बच्चों को लाइंस का नेम ज़रूर बताना है, दिस इज zigzag lines, या कोई भी लाइन आप सिखा रहे हो। स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, गो अप and come down, start from the dot, go up and come down, start from the dot, go up and come down, start from the dot, go up and come down।
इससे बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा और बहुत अच्छे से इंटरेस्ट भी लेगा। तो आपको सबसे पहले ये मैंने 5 जो आपको लाइंस बताई हैं, इनको हम स्ट्रोक्स बोलते हैं, आपको अल्फ़ाबेट A to Z स्टार्ट करने से पहले लाइंस सबसे पहले इंट्रोड्यूस करनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब आप ये लाइंस इंट्रोड्यूस कर दोगे उसके बाद आपको बच्चों को कौन से लेटर्स इंट्रोड्यूस करने हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको 5 टिप्स दूंगी कि आप कैसे अपने बच्चों की राइटिंग हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है, हो सकता है आपका बच्चा शुरू में इतना इंटरेस्ट राइटिंग में ना दिखाए। वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों के लिए वो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बच्चों को एक ब्लैंक कलर शीट दो और इंस्टेड ऑफ पेंसिल, मींस पेंसिल ना देकर उनको कलर दो, क्योंकि बच्चे कलर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उनको बोलो स्क्रिबलिंग करें। स्क्रिबलिंग करेंगे तो उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर उसके बाद जो भी मैंने आपको अभी सिखाया वो वाला कॉन्सेप्ट आप ब्लैंक शीट पर लेना स्टार्ट करो, ग्रेजुअली उनका इंटरेस्ट बिल्ड होगा और फिर धीरे धीरे करके आप नोटबुक पर आ जाना। टिप नंबर 2 है, आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आपके बच्चों ने पेंसिल होल्डिंग कैसे की हुई है, क्योंकि यही इनिशियल स्टेज होती है जब हम अपने बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं, उनको प्रॉपर पेंसिल होल्डिंग करना नहीं आता और हम लोग भी उसमें बिल्कुल बॉदर नहीं करते और उसमें बिल्कुल भी उनको करेक्ट नहीं करते हैं, और यही हैबिट उनकी पूरी लाइफ में चलती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को सिखाओ प्रॉपर पेंसिल होल्ड करना, कैसे ग्रिप बनानी है, कैसे होल्ड करना है और कैसे राइट करना है। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये थी टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 है, एंड दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक हमेशा करते हैं। कोई भी रफ नोटबुक ले लेते हैं और उसमें स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को पढ़ाना, कुछ भी सिखाना। नो, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। उनके लिए एक प्रॉपर अच्छी सी नोटबुक मेंटेन करिए, प्रॉपर डेट लिखिए, जिससे कि आपको भी पता रहेगा कि आपने कौन कौन सी डेट पे वर्क किया है और बच्चों की कितनी ग्रोथ हुई। आप प्रीवियस से मैच कर सकते हो, अच्छा पहले बच्चा ऐसे लिखता था और अब बच्चे की राइटिंग प्रॉपर डेट्स के अकॉर्डिंग आप अगर लिखोगे तो आपको पूरा पता रहेगा कि आपके बच्चे ने कितनी इंप्रूवमेंट की है। और यही अगर आप कोई भी रफ नोटबुक पे लिख दोगे, पेजेस पे लिख दोगे, तो ये आपका रिकॉर्ड बिल्कुल मेंटेन नहीं रहेगा। और जब न्यू नोटबुक होती है तो बच्चे का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ न्यू है, मुझे इंटरेस्ट दिखाना है, तो बच्चे का काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये थी आपकी टिप नंबर 3। नंबर 4 है सिटिंग पोजीशन। हम लोग इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, नोटबुक को ऐसे बिल्कुल पास ले आते हैं, बिल्कुल बेंड हो जाते हैं और ऐसे राइट करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। हमें बच्चों को बताना है कि आपको इधर नोटबुक रखनी है, इधर आपको ऐसे पेंसिल पकड़नी है, एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस। बिल्कुल ऐसे नोटबुक के अंदर घुसना नहीं है। तो इस टिप को हमेशा याद रखना और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना। नंबर 5, एंड टिप नंबर 5 है, बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम बनाइए, उनको भी पता रहे कि इस टाइम पे हमें स्टडी करनी ही करनी है और आपको भी पता रहे कि हाँ इस टाइम पे हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, बच्चों की एक प्रॉपर हैबिट बनेगी कि इस टाइम पर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी 5 to 6 का टाइम बेस्ट रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि उस टाइम वो अपनी जो है आफ्टरनून की नैप भी ले चुके होते हैं, जिससे कि उनको कोई एज सच थकावट भी नहीं होती है, वो अच्छे से अपने वर्क पर ध्यान दे सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको अपने बच्चों को राइटिंग कैसे स्टार्ट करानी है। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना कि बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखाना शुरू कर दो, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और क्या करना है अब आपको तो ये समझ आ ही गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड यस कीप स्माइलिंग ऑलवेज। Keep smiling always. Bye. Take care.